हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चौरास परिसर स्थित स्वामी मनमथन सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति प्रोफेसर MS चौहान और कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर SP सिंह और अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य प्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट रहे। संगोष्ठी के संयोजक और विभागाध्यक्ष ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी और सह संयोजक डॉ संतोष सिंह ने सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MS चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है। किसानों को कृषि में विविधता लाने की आवश्यकता है, जिसमें बागवानी फसलों के साथ साथ पशुपालन को अपनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बदरी गाय की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका दूध कई स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर होता है। मेरा सौभाग्य है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो आज 3 दिवसीय जो सेमिनार शुरू हुआ है और जिसमें विशेषतः जो एग्रीकल्चर और एलाइड साइंसेस के जगह जगह से लोग यहाँ पर वैज्ञानिक लोग और फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थीगण आए हैं, उसमें ये जो मंथन यह है कि हमारे उत्तराखंड में एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, इसका इस समय स्टेटस क्या है, यहाँ से हमें क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमारे बीच में हैं, इसमें मंथन किया जा रहा है। विभिन्न जगह से बहुत एक्सपर्ट्स इसमें आए हैं जिनको उत्तराखंड के भौगोलिक की जानकारी भी है, तो ज़रूर जब 3 दिन का ये मंथन होगा इसमें जो इसका फाइनली जो इसमें जो रिकमेंडेशन आएगा वो बड़ा यूज़फुल होगा हमारे लिए और हमारे उत्तराखंड के किसानों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए आह्वान किया। ये जो कार्यशाला है ये चूँकि यहाँ की जो परंपरागत कृषि है उस पर भी फोकस कर रही है और साथ ही इसमें जो हमारी परंपरागत कृषि है वो किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग होना चाहिए जो छोटे हों और इनोवेशन के माध्यम से कैसे इस कृषि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो कृषि है वो इतनी है नहीं कि उसको मार्केट में बेचा जाए। अभी तो कृषि उतनी होती है जितने परिवार के लिए काफ़ी होता है, वो परिवार के लिए भी काफ़ी नहीं है, इसलिए लोगों को बाज़ार से ही सामान खरीदना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो भी कृषि होती है वो सब ऑर्गेनिक है, तो उसमें कोई इस तरह की कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता, इसलिए अगर उसको ज़्यादा प्रोडक्शन उसका हो तो शायद उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस उसका काफ़ी अच्छा है और अब धीरे धीरे जैसे मिलेट के रूप में उसको पब्लिसाइज किया जा रहा है जो लोकल एग्रीकल्चर है, और ये मार्केट भी लेकिन बड़े शहरों में ही है, छोटे शहरों में वो मार्केट भी नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि प्रोड्यूस भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि लोकल मार्केट में ही वो खपत हो जाती है, तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि प्रोड्यूस कैसे बढ़ाया जाए, दूसरा उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, तीसरा उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, और चौथा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्टोरेज। अगर खपत मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसको फिर किस तरीके से उसको स्टोर किया जाए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर SP सिंह ने एग्रो टूरिज्म और कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देकर सतत कृषि को अपनाने की बात कही। यह माध्यम न केवल कृषकों की अतिरिक्त आय का बल्कि प्रवास की समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट ने नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए सतत कृषि प्रणाली का महत्व बताया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में किए गए कार्यों की संक्षिप्त जानकारी दी। मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि एक तरह की जो खेती है हम लोग ना करें,
एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाएं जिसमें एक किसान के पास दो या तीन या चार एक्टिविटीज़ हो। बाई चांस अगर एक एक्टिविटी फेल हो गई तो कम से कम दूसरी एक्टिविटी उसके पास रहेगी, जिससे कि उसका जो है उसकी लाइवलीहुड चल सके। और दूसरा जो है कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम लोग एकत्रित खेती करें, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, स्वयं सहायता समूह के आपकी फेडरेशन की बात होती है, क्योंकि अकेले क्या होता है ना, अकेले बहुत ज़्यादा उत्पाद नहीं हो पा रहा है, तो एकत्रित होकर सामूहिक अगर करें खेती तो ये काम अच्छा हो सकता है। कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए ठोस उपाय किए जाने की बात कही। साथ ही महिलाओं के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे चुनौतीपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए उन्हें उपयुक्त सहायता पहुंचाने की बात कही। इस दौरान वन, कृषि, ग्लेशियर, उद्यानगी के विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तृत रूप से व्याख्यान दिया। संगोष्ठी के पहले दिन 200 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विशेषज्ञों के व्याख्यान सम्मिलित थे। इस दौरान उत्तराखंड के परिपेक्ष में कृषि चुनौतियों पर चर्चा की गई। संगोष्ठी में पूर्व अतिरिक्त आयुक्त और पूर्व निदेशक उद्यान विभाग बीर सिंह नेगी, पूर्व सलाहकार नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार विजेंद्र सिंह नेगी और प्रोफेसर डी के सिंह पंतनगर मौजूद रहे।